ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। ये हम बेचते हैं ना इंटरनेट पे, जाता है ना, इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि हाँ ये कैसे जाता है, क्या होता है, कैसे आपका माल बिकता है। हम शादी करके आए हैं बनारस से, हमें बहुत परेशानी हुई यहाँ पे आए तो शादी करके, तो हमारे आदमी भी हमारे साथ नहीं थे, सास ननद भी, मैं बहुत परेशान करी इतना कि मुझे ये कहें ये तू घर छोड़ के चल जाए, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। तो मैंने अपना बच्चे थे बच्चों के साथ लेके कहाँ जाऊँ मैं, तो मैंने कहा भाई तो यहीं पर होंगी। फिर हमारे पड़ोस में एक लड़की आई, लड़कियों ने कहा कि अगर तुम्हारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो तुम कहीं कुछ कंप्लेंट नहीं कर सकती। मैंने कहाँ जाऊँ कंप्लेंट करने के लिए, या कि मैं कहें तुम फौरन जाओ CSR ऑफिस है वहाँ पर जाओ, रेखा मैडम बैठती हैं वहाँ पर, वो तुम्हारा हेल्प सुनेंगे। तो वो हमारे उनके पास गए कि, तो फिर मैं वहाँ गई तो उन्हें पकड़ के मैं बहुत रोई, रोने के बाद में बहुत रोई। फिर उन्होंने मुझे चिपका लिया, जैसे अपना सगा क्या कोई चिपकाएगा, ऐसे चिपकाया मुझे। फिर सारी बातें सुनी उन्होंने, फिर सुनने के बाद में फिर यहाँ पे इनके पास खबर किया कि हाँ क्या कहते हैं, खबर किया इनके पास कि तुमने ऐसे बहू के साथ क्यों सताया जा रहा है, क्यों सब बहू के साथ ऐसे कर रहे हो। मैडम के पास गई, मैडम ने हमारी सारी बात सुनी, सुनने के बाद में फिर इनके पास मेरे, फिर मुझे थोड़ा सा हिम्मत हुआ कि हमारा कोई है, हमें कोई पकड़ा है, पकड़ रखा है। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी, फिर मैं रहना शुरू कर दी। फिर लेदर कंपनी में हम काम करने लगे, तो जैकेट आता था, जैकेट को हम प्रेस करते थे पाउडर डाल के, एक केमिकल आता है, केमिकल पाउडर होता है उसमें छिड़क के फिर उसे प्रेस करते थे, कहीं हाथ जल जाता था, कहीं हाथ जल जाता था। वहाँ से हमने लेदर कंपनी से थोड़ा बहुत हमने सीखा, फिर हमारे बच्चों से हमने कहा भैया ये सब काम थोड़ा सा काम सब करना शुरू करो तो बहुत अच्छा रहे, कैसे ठीक है हम भी ठीक है। तो फिर वो लोग खुद अपने आप से गए कंपनी में गए, देखा लोगों को बताते हुए बनाते हुए, तो फिर अपने देखते अपना खुद भी बैठ के बनाने लगे। बनाने के बाद में फिर उसके बाद फेसबुक पे उसे फ़ोटो खींच लिया, फेसबुक पे भेजने लगे, यूट्यूब पे भेजने लगे, नेट इंटरनेट पे, तो उसमें से ऑर्डर भी आने लगा हमारे बच्चों के पास। तो ऑर्डर जब आने लगा तो वो कागज़ भी लेकर आए, गत्ता लेकर, फिर उसका डिब्बा बना के उसमें ये पैक किया, फिनिशिंग करके पैक करके ले जाके दिया। फिर मैं खुद इंटरनेट खोलती हूँ, यूट्यूब खोल के, और जैसे जब मुझे नहीं आया यूट्यूब में जो आ गया तो उसे तो ले लिया मैंने, और जब नहीं आया तो मैं लिख के खुद दे देती हूँ। नहीं जैसे अब तो फ़ोन तो आ ही रहा है, तो हम भी इतने पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा कि हम इतना काम कर सकते हैं। हमने तुझ पे हजारों सितम है कि हमने तुझ पे जहाँ भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जोड़ जाएगी ये जमीन, तेरे बिन सुनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा अंग। मेरी 2012 में छठे महीने में शादी हुई थी, मेरी शादी को 5 साल हो गए, और उसके बाद
एक बच्चा है मेरा 2.5 साल का, मेरा हस्बैंड एक्सपायर हो गए बीमारी के कारण, उनके दिमाग में ब्रेन टीवी हो गया था तो नस फट गई थी उनकी, उस वजह से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद डेथ होने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी मम्मी के पास, 8 महीने से मैं यहीं रह रही हूँ और मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला ससुराल वालों की तरफ से, ना कोई खर्चा ना कुछ, उनका फ़ोन भी नहीं आता, वो लोग पूछते भी नहीं मेरा पोता कैसा है या बहू कैसी है, कोई नहीं पूछता। मैं बीच में बीमार भी हो गई थी, मेरे नंददेव का फ़ोन आया था, मैंने उसे बोला भी था कि मैं 4 दिन हो गए हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, ना वो लोग देखने आए ना ये देखने आए कि उसकी हालत कैसी है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी, ससुराल में रहती थी वहाँ पे भी उन लोगों ने बच्चे तक के दूध के पैसे मांग लिए मुझे कि 1000 रुपये दे के जा है, ये दूध के पैसे कौन देगा। मैं यहाँ पे अपनी मम्मी के पास रह रही हूँ 8 महीने से, तो मुझे यहाँ के बारे में पता चला कि यहाँ पे फार्म भरे जा रहे हैं वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के, तो राखी CSR से, तो मुझे राखी मैडम ने बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रेनिंग सिखाई जाएगी और आपको जॉब मिला दी जाएगी यहाँ पे। तो फिर मैंने वो फार्म भरे, फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग के लिए गुड़गांव गई, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग सीखी 45 डेज सीखी मैंने वहाँ पे। उसके बाद हम उसके प्रैक्टिकल के लिए कापासेड़ा भी जाते थे, सारी ट्रेनिंग करने के बाद हमें जॉब भी अप्लाई हुई। मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग में पढ़ाई भी करी और मैं फिजिकल ट्रेनिंग भी करने के लिए जाती थी वहाँ पे, हमें रस्से पे कूदना, ऊंचाई से कूदना, लंबाई रस्से पे चलना, मोंकी जो मोंकी वाली रस्से पे चलना सिखाते हैं वो सारा कुछ सिखाया हमें, आग बुझाना और बिजली जैसे कहीं बिजली की वजह से आग लग जाती है उसको कैसे बंद करना, कैसे हर चीज़ सिखाई गई हमें वहाँ पे, हर चीज़ की ट्रेनिंग दी गई हमें। महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखना है कि भाई कहीं गाड़ी में या कहीं बस में अकेली हो तो अपनी सेफ्टी किस तरह कर सकते हैं हम, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए हमारे पास, वो सब चीज़ सिखाई गई हमें। CSR की वजह से मेरे को मेरे घर ससुराल वाले कुछ मतलब पैसे या कुछ भी नहीं दे रहे थे, तो CSR की वजह से मैंने उन लोगों पे केस डाला और मैडम की वजह से राखी मैम की वजह से मैंने जो मेरे को डेथ सर्टिफिकेट वो लोग नहीं दे रहे थे उनकी मेरे CSR की वजह से मैंने वहाँ पे सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट गुड़गांव से निकलवाई और पिल्सन के लिए अप्लाई करा, उससे मेरी पिल्सन भी बन गई है। इंटरनेट यूज़ करती हूँ, जो भी मैंने ट्रेनिंग में सीखा है मैं सारी पिक्चरें उसमें अपलोड करती रहती हूँ, मुझे उसमें लाइक भी बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सी लड़कियाँ मुझे पूछती भी है कि भाई ये तुमने कैसे करा, तो मैं उन्हें यही बताती हूँ कि CSR से मैंने ये सब चीज़ सीखी है, वहाँ पे आप जाओ फार्म भरो तुम भी ट्रेनिंग में हिस्सा लो। जो मेरे थ्रू लड़कियाँ लगी हैं मुझे पता, मेरे को ना बहुत खुशी होती है अंदर से कि मेरे थ्रू और भी लड़कियाँ यहाँ पे काम करने, मैडम के हौसले ने मुझे थोड़ा वो करा तब तो मैं बाहर जाना सीखी हूँ, मुझे ये पता चला कि वो चीज़ कैसे होनी है वो कैसे होनी है। मैडम ने मुझे बताया कि तुम खुद कोशिश करो तभी तो कुछ सीखोगी, वही मैंने कोशिश करती गई, मैं बहुत बहुत कुछ कर पाई, कभी तक मैंने कोई फार्म नहीं भरा ना मैं कहीं किसी के सेंटर में गई, कुछ भी नहीं करा आज तक, सब कुछ मम्मी करती थी, अब मैं खुद करना सीखी हूँ। जो मेरे को पता चला जो भी काम करती हूँ मेरा हो जाता है, नहीं डरती अब मैं किसी चीज़ से। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आज़ादी की जंग। मैम यहाँ पे मुझे 20 साल हो गए और जब मैं यहाँ पे आके रही हूँ तो यहाँ पे पानी की कोई सुविधा भी नहीं थी और मुझसे पहले और भी बहुत लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन गई जो जल बोर्ड वालों की है उसमें से लीक पानी होता था, तो हमारी बुआ जी हैं रामरती जी, तो उनको पता चला कि यहाँ से पीने का मीठा पानी है और ये लीकेज पानी है, हमने उसको कवर किया, होदी बनाई और फिर हमने उसकी उस पूरी बस्ती में घर घर देने का विचार किया,
और हमने पाइपलाइन से पूरी बस्ती में पानी दिया। फिर उसके बाद पूरी बस्ती में पानी जाने के बाद में हम जब बस्ती में घूमते थे तो जैसे कि औरतें दिन भर काम करती हैं और आदमी दारू पीता है, बच्चों को मारता है और गलत करता है, तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर हम उनका साथ देने लगे, जैसे एक दो बार 100 नंबर कॉल बुलाई, फिर उनको थाने में लेके गए। तो फिर हमारी मुलाकात कमलेश मैम से हुई है थाने में, बसंत कुंज थाने में। तो हमने मैम से बात की तो मैम ने बोला कि हम इसी विषय पे काम करते हैं, लेडीज़ों की मदद करते हैं। तो फिर 4 साल से मैं CSR से जुड़ी हूँ। मैं सिलाई करती हूँ और लड़कियों को सिलाई सिखाती भी हूँ। जैसे स्कूल से लड़कियाँ आती हैं और वो सीखना चाहती हैं तो मैं उनको सिलाई भी सिखाती हूँ और कपड़े सिलती हूँ मैं। और जैसे लेडीज़ों को मेरी ज़रूरत होती है तो मेरा घर पता है, मैं फिर 6 साल तक उनको पहुँचाती हूँ, उनकी मदद करती हूँ। जैसे मैं कपड़े सिलती हूँ और हमारी ये मेरी भतीजी है ये और मेरी बेटी है, और भी लड़कियाँ हैं और भी परिवार में से हैं, गली में से हैं, तो वो स्कूल के बाद में मेरे पास बैठती है आके 1 घंटे के 2 घंटे के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि आप अच्छे डिजाइन तो बनाते हो लेकिन आप हम आपको ना फ़ोन में से दिखाते हैं, आप उसमें से डिजाइन लो। जैसे कि मेरी भतीजी ने दिखा कि बुआ जी ये बनाओ, ये डिजाइन बनाओ, तो इन्होंने मुझे दिखा तो मैंने इनको डिजाइन बना के दिया। तो उससे बहुत सा कुछ सीखने को भी मिलता है, अच्छे अच्छे डिजाइन भी मिलते हैं और मैं खुद बनाती हूँ, फिर मैं इनको भी सिखाती हूँ ये सब। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी जो बस्ती की जो लड़कियाँ हैं ये इधर उधर खेलने कूदने से, इधर उधर जाने से अच्छा कुछ काम सीखे, जो घर में बैठे सिलाई कर सके, इनको बाहर ना जाना पड़े। और सिलाई का इतना अच्छा काम है कि घर में बैठे पैसे कमा सकते हैं। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। हम 5 भाई बहन हैं और एक भाई है, हम 5 बहन हैं। तो मम्मी पापा ने पढ़ाई लिखाई नहीं, क्योंकि बेटियां हैं, कुछ करेगी नहीं, शादी हो जाएगी, ससुराल चले जाएंगे, तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कभी पढ़ाया ही नहीं, स्कूल ही नहीं भेजा। फिर दिल्ली आ गए, फिर दिल्ली में फिर कोठी में लगा दी। जब मैं 7 साल की थी तब मैं अपने कोठी में काम करने लगी मैडम के घर में, तो वो वहीं पर जैसे काम वाम करती रही, तो उनका लड़का पढ़ता था ऐसे, तो उनकी से मैं थोड़ा सा किताब देखने लग गई कि ABCD है अपना, जो भी थोड़ा बहुत। क्या काम करते थे? कोठी में रात दिन रहती थी, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, सब कुछ। खाना तो नहीं, सब जो काट देना था, हेल्प करना उनका, ये 7 साल के बच्चा क्या करेगा। फिर भी उनके घर में रात दिन रहती थी, घर नहीं आती थी, वहीं रहती थी। फिर जैसे मैं 14 साल की मेरी एज हुई तो कभी स्कूल नहीं गई, कुछ नहीं गई। 14 साल में मेरी शादी करवा दिया गया, मुझे गांव लेके फिर मेरी शादी करवा दिया, मतलब चाइल्ड मैरिज जिसको कहते हैं वो कर दिया। फिर घर में रहने लग गया, उसके बाद फिर बेटी हुई तो वो भी बहुत प्रॉब्लम से हुई, 6 महीने की डिलीवरी प्रीमेच्योर बेबी हुई, फिर उसको भी एम्स हॉस्पिटल में रखना पड़ा। 3-4 महीना बच्चे के साथ मुझे भी वहीं रहना पड़ा, तो मेरे घर थोड़ा सा हिल गया, मतलब कहाँ पैसा नहीं है, बच्चे का ऐसे हुआ, हालत ख़राब। उसके बाद फिर बेटी को लेके घर आई तो मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए, उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ था, तो वो भी मतलब 3-4 महीने बिस्तर में पड़े रहे, तो मेरी बहुत ही बुरी हालत। यहाँ बच्चा छोटा, वहाँ हस्बैंड बीमार, काम नहीं, कुछ नहीं। सेंटर वालों ने मेरी बड़ी हेल्प करी, उन्होंने मुझे बोला कि आप आगे बढ़ो, पार्लर के काम करो, तो मुझे पार्लर इसलिए करना सही लगा कि मुझे लगता मैं कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे और अपना क्लाइंट बनाती गई, जैसे पर्ची बांटा लोगों के घर जाके, बड़ी मेहनत करना पड़ा, साइकिल ले लेके इधर उधर घूमा, लोगों के घर जाके बोला कि मैं पार्लर के काम करती हूँ, आप मेरे से करवाओ, एक बार मेरे को ट्राई करो। फिर सब ने 10 कार्ड बांटा तो 5 जने ने बुलाया, 5 ने नहीं बुलाया। फिर मैंने यहाँ पर खजानी बू, मैंने पॉलिटिक्स सीख की वो है, वहाँ मैंने कोर्स किया था, एडवांस कोर्स पार्लर का। उसके बाद जैसे एडवांस कोर्स किया, उसके बाद फिर जैसे आजकल पार्लर का से एडवांस होता है, एडवांस करते 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 फिर अब सेटल हूँ मैं।
बेटी को फिर स्कूल में, जब बेटी भी 5 साल की हो गई, उसके सेंट्रल स्कूल में एडमिशन करवाया कि सिंगल गर्ल है, उसके लिए भी मुझे गवर्नमेंट इसकी फ़ीस भी माफ़ कर दिया कि भाई तुमने एक ही बेटी करा और तुम्हें बेटे की लालच नहीं है। इंटरनेट भी मैं सीख रही हूँ, उससे ही मेरे को पता चल रहा है, ऐसे ही उसमें फेसबुक आया है, फेसबुक से ही मुझे बहुत सारी मिलते हैं वीडियो आते धीरे धीरे करके, उसमें वीडियो से मैं देखती हूँ तो उसमें फेशियल वेशियल हेयर स्टाइल मेकअप वो सब मैं सीखती हूँ, उससे भी मुझे उससे बहुत हेल्प मिलता है। अब ये मेरी बेटी मेरी बड़ी हेल्प करती है, तो फेसबुक पर सिखाती है मुझे कैसे चलाना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, मैं करती हूँ और फेसबुक से मुझे काफ़ी हेल्प मिलता है कि फेशियल वेशियल कैसे करना है, हेयर स्टाइल कैसे करना है, वो थोड़ा उनको देख देख के करती हूँ। और सेंटर वालों ही मेरी बड़े, उन्होंने भी मुझे बताया था कि कैसे फेसबुक यूज करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, तो उनकी मदद पहले तो मुझे मिला था, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, घर बैठे बैठे मेरे को उसमें वीडियो आ जाता है जो मैं देख के सीख सकती हूँ। उससे क्लाइंट भी खुश होते हैं कि नए नए तरीके से चीज़ दिखाते हैं, हेल्प करते हैं, उससे मेरी क्लाइंट भी खुश हो जाते हैं, देखते हैं, काफ़ी चीज़ आता रहता है फेशियल का भी दिखाते हैं, ऐसे मैं सर्च भी करती हूँ, मुझे आता है, अब सर्च करना सीख गई हूँ तो सर्च भी करके उसमें फेसबुक से दिख जाता मुझे फेशियल करना, आईब्रो कैसे बनाना, मेकअप, हेयर स्टाइल सब कुछ अब घर बैठे बैठे मैं कर लेती हूँ, सीख जाती हूँ कैसे करना क्या नहीं करना। जैसे मैं स्कूटर चलाती हूँ, अपनी स्कूटी चलाती हूँ तो फ़ोन नहीं अटेंड कर सकती क्योंकि रास्ते में होती हूँ, तो लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देते हैं तो वो मैं बाद में देख लेती हूँ, फिर मुझे नेट चलाना आ गया अच्छा से। अब नहीं जैसे अब तो फ़ोन तो आ ही रहा है, फ़ोन तो आ ही रहा है, तो हम भी इतने पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा कि हम इतना काम कर सकते हैं। क्या काम? जैसे अब नेट खोलना, नेट बंद करना, क्या है इसको फेसबुक निकालना और सारा काम, जैसे और चीज़ हम उसमें से निकाल सकते हैं, लिख के हम दे सकते हैं कि वो आ जाता है अपने। पहले मैं घर से अकेले नहीं निकलती थी, मैं हमेशा घर में रहती थी, मैंने मेरे को यह नहीं पता था कि उत्तम नगर कहाँ पे आ। अब मैं इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ ना, मुझे ये पता है कि गुड़गांव की कौन सी जगह कहाँ पे है, वो गुड़गांव तक की जगह का पता कर लेती हूँ कि वो चीज़ कहाँ पे है, जो कि मेरे को कुछ नहीं पता था कागजों के बारे में। मैंने अकेले अपने हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट सारे कागज़ जितने भी हैं सब मैंने अकेले ने निकलवाए हैं, वो हैं सारा कुछ अपने आप करा है, मैंने कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी, मैं खुद अकेली जाती हूँ, अकेले ही सारे काम करती हूँ। दूसरी बस्ती की लेडीज़ों को भी मेरी ज़रूरत पड़ती है ना, रात को भी जाती हूँ, रोड के उस पार की हो या इस पार की हो, मैं हर लेडीज़ की मदद करती हूँ। उसे सीख सीख के थोड़ी सी आगे बढ़ गई हूँ, अब तो मेरी लाइफ थोड़ा सा ठीक है, और मुझे लगता है सबको करना चाहिए, कोई हार मान के नहीं बैठना चाहिए कि मैं ऐसे नहीं कर सकती तो मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं, जब मैं कर सकती हूँ इतनी छोटी सी एज में तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो मैं मैसेज देना चाहती हूँ सबको करना चाहिए काम, कोई हार मान के नहीं बैठना चाहिए, हाँ किसी के थ्रू ये सेंटर में जाओ, कहीं जाओ, कोई अच्छा लोग मिले तो आगे बढ़ सकते हो, और क्यों नहीं कर सकते। हाँ बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना।